नमस्कार दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करेंगे इस वीडियो में। शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 10 रुपया 25 पैसे में। टेलीकॉम से रिलेटेड ये कंपनी है। पिछले 1 साल 1.5 साल से अगर हम स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो काफ़ी उतार चढ़ाव हो रहा है। और जो खबर बनी हुई थी AGR ड्यूज़, तो गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया था, तो अब जो है पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है और जैसे कि लोन जो है SBI के द्वारा फिर से बातचीत चल रही है, और LN Max का इन्वेस्टमेंट आ सकता है, गूगल का इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो खबरों के दम पे ये चल रहा है और उम्मीद के कारण भी चल रहा है दोस्तों, क्योंकि देखिए एक तरह से देखिए आदित्य बिरला ग्रुप की ये कंपनी है और वोडाफोन इंटरनेशनली कारोबार करते हैं, एक बड़ी कंपनी है। और लोन भी काफ़ी था इनका और AGR का जो ड्यूज था उसके वजह से भी स्टॉक में भारी गिरावट हो रही थी। अब जो है एक तरह से पॉजिटिव खबरें आ रही हैं और अब डिपेंड करेगा कि बिजनेस किस तरह का हो रहा है, यानी मीन्स इनकम क्या हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है। जैसे कि भारतीय एयरटेल का हम लोग देख रहे हैं कि रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है, ARPU बढ़ रहा है भारतीय एयरटेल का, और प्रॉफिट में कंपनी आ रही है। तो स्टॉक प्राइस देखिए लगभग 730-740 तक पहुंच गया है। जिन्होंने भारतीय एयरटेल का स्टॉक रखा है पिछले 1-1.5 साल से, उनका एक तरह से देखिए 70-80% का रिटर्न मिला है। वोडाफोन आइडिया की बात करते हैं तो गिरावट आती है, इसमें कोई ना कोई खबर वजह से फिर से एक तरह से ऊपर की तरफ रहता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो निवेशक इसमें ट्रेड कर रहे हैं या फिर अपने पोर्टफोलियो में रखा है। पेनी स्टॉक है, बिजनेस अच्छा होगा आने वाले दिनों में, तो अपने आप स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। टेलीकॉम सेक्टर की बात करते हैं तो 3 कंपनियां हैं, देखिए जियो है, भारतीय एयरटेल है और वोडाफोन आइडिया है। वोडाफोन आइडिया को अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि एक तरह से जो सब्सक्राइबर हैं वो कम होते जा रहे हैं। वोडाफोन आइडिया भी एक बड़ी कंपनी रही है, बट ये कि जियो के कारण, जब से जियो आया तब से वोडाफोन आइडिया के जो सब्सक्राइबर हैं वो एक तरह से कम होते गए, तो इसके वजह से इनका रेवेन्यू कम होते गए और लॉस ये कंपनी दिखाती गई। तो स्टॉक प्राइस में जाहिर सी बात है गिरावट होनी थी, बट ये है कि बीच बीच में कोई ना कोई खबर आ जाती थी तो उसके वजह से ये स्टॉक अपडाउन हो रहा था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं और उम्मीद के कारण आम निवेशक काफ़ी एक्साइटेड हैं वोडाफोन आइडिया में दोस्तों। तो आइए दूसरे तिमाही के नंबर्स को देखते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और उसी के अनुसार आगे बात करेंगे और एक नज़र शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे टेक्निकल चार्ट के अनुसार। दोस्तों वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन। दोस्तों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के दूसरे तिमाही के नंबर्स को देखते हैं, Q2 के नंबर्स को देखते हैं। टोटल इनकम इस क्वार्टर में 30 सितंबर 2021 के क्वार्टर में 9435 करोड़ का है और एक साल पहले देखते हैं तो 10830 करोड़ का था। 30 सितंबर 2020 में 10830 करोड़ का टोटल इनकम था वोडाफोन आइडिया का और 30 जून 2021 में Q1 में 9185 करोड़। तो क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से रेवेन्यू बढ़ा है, यानी मीन्स रिचार्ज ज़्यादा किया गया है, और साल दर साल के हिसाब से देखते हैं तो रेवेन्यू कम है दोस्तों। टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं सीधे और उसी के अनुसार प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। टोटल एक्सपेंसेस अब की बार क्या है, 16577 करोड़ का एक्सपेंसेस है, खर्चा है, और एक साल पहले देखते हैं तो 17367 करोड़ का था और Q1 में था 16682 करोड़। तो देखिए एक साल पहले के अनुसार देखते हैं तो थोड़ा बहुत जो एक्सपेंसेस है कम है 16577 करोड़ का, और Q1 के हिसाब से देखते हैं तो उसी के आसपास है। बट इनकम देखिए आप 9435 करोड़ का है और खर्चा है 16577 करोड़, तो अब की बार भी लॉस है। और सीधे से लॉस की बात करते हैं, देखिए प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स 7132 करोड़ का नुकसान है वोडाफोन आइडिया को। एक साल पहले देखते हैं तो 7218 करोड़ का नुकसान था और Q1 में था 7319 करोड़। तो देखिए एक तरह से आसपास ही है, ये 7000 करोड़ का नुकसान है ये वोडाफोन आइडिया को इस क्वार्टर में भी। और EPS जाहिर सी बात है माइनस ही रहेगा, 2.48 माइनस है, पिछली बार 2.51 का माइनस था और Q1 में 2.55 का माइनस था। वोडाफोन ने जो रिजल्ट पेश किया है दूसरी तिमाही का, तो रेवेन्यू तो एक तो बढ़ा है दोस्तों, ये तो अच्छी बात है वोडाफोन आइडिया के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है रेवेन्यू का बढ़ना। और
लॉस मेकिंग कंपनी है अभी भी, इसीलिए पेनी स्टॉक है, इसीलिए पेनी स्टॉक है। बड़े ग्रुप का ये शेयर है। एजीआर की वजह से बड़ी हलचल बनी रहती थी और न्यूज़ हर हफ्ते हर महीने रहता था। आम निवेशक इसमें काफ़ी एक्साइटेड रहते थे, बट पिछले एक दो महीने के अनुसार देखते हैं तो जब पिछली गिरावट आई थी लगभग 4.5 रुपये तक आया था, वहाँ से बढ़कर लगभग 12 रुपये तक गया था शेयर प्राइस। तो जिन निवेशकों ने 5-6 रुपये में लिया, 7 रुपये में लिया, अच्छा पैसा बना। और जब ये गिर रहा था तो एक तरह से देखिए उस वक्त सुनाई दे रहा था कि बर्बाद होगी, डूब गई, बट गवर्नमेंट ने एक तरह से रिलीफ दिया तो सरवाइव कर रही है कंपनी। अब जो खबरें हैं, लोन की खबर है एसबीआई के द्वारा और एलएन मैक्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है। तो इस तरह की खबरें हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, और आने वाले दिनों में भी ये खबरों में बना रहेगा वोडाफोन आइडिया। तो ये दूसरी तिमाही के नंबर्स था। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने वोडाफोन आइडिया का दूसरी तिमाही के नंबर्स देखा, Q2 के नंबर्स देखे, तो लॉस मेकिंग कंपनी है, बट इस क्वार्टर में इम्प्रूवमेंट रहा है वोडाफोन आइडिया में। आगे हम टेक्निकली बात करेंगे। ये चार्ट लगा हुआ है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का, और इसका जो स्टॉक प्राइस था 5/8/2021 को नीचे के लेवल पे आया था, ऊपर की तरफ स्टॉक गया, अच्छा एक मूव भी आया था, और जिन्होंने लोअर लेवल पे खरीदा था तो उनको अच्छा पैसा भी बना। तो ये ऊपरी लेवल से एक तरह से गिरावट आ रही है। स्टॉक प्राइस की बात करते हैं, देखिए 10.30 रुपये में, और अब स्टॉक प्राइस है 10.30 रुपये में। अगर हम चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं तो ऊपर का जो एक रेजिस्टेंस रहेगा 11.50 रुपये, 11.55 रुपये का रहेगा दोस्तों। और जैसे कि इसका हाई बनाया है 10.45 रुपये के ऊपर, अगर निकलता है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा लगभग 1 रुपया ऊपर रहेगा, 11.55 रुपये तक जाता हुआ दिख सकता है। और मेन जो हडल रहेगा दोस्तों ऊपर का 12.35 रुपये, ये एक हडल बना हुआ है। अगर इसको क्रॉस करता है तो लगभग ये 13 रुपये तक, जैसे कि इसने हाई बनाया था आपको याद होगा 18/1/2021 को इसने हाई बनाया था ऊपरी लेवल पे, लगभग 13.60 रुपये यहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है। सपोर्ट की बात करते हैं तो हाल फिलहाल का जो सपोर्ट बना हुआ है इसका 9.25 रुपये, अगर ये 9.25 रुपये के नीचे फिसलता है तो इसमें कमजोरी आती हुई दिख सकती है। दूसरी बात यह है कि पिछली बार ये बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ गया, तो ये गैप जो बना हुआ है इसको फिलअप करता हुआ दिख सकता है। अगर ये 9.25 रुपये के नीचे फिसला ये, तो मान के चलिए इसमें एक गिरावट आती हुई दिख सकती है, और इस गैप को भरता हुआ सीधे से नीचे हमें 7.25 रुपये तक आता हुआ दिख सकता है। तो ये लेवल जरूर ध्यान में रखिएगा, 9.25 रुपये के नीचे अगर क्लोज होता है तो इसमें अच्छी खासी गिरावट हो सकती है, और लगभग ये 7.25 रुपये तक आता हुआ दिख सकता है, और हो सकता है उससे ज़्यादा भी गिरावट हो, क्योंकि एक बड़ी तेज़ी आई थी इसमें अगस्त के महीने में, 31/8/2021 को ये 6 रुपये में था और सीधे से दुगना हो गया था, देखिए एक ही महीने में लगभग 10-15 दिन में, 17/9/2021 को 12 रुपये के आसपास था। तो अच्छा एक निवेशकों ने पैसा बनाया। तो कहने का मीन्स यह कि अगर इसमें गिरावट होती है वोडाफोन आइडिया में, अगर किसी ने प्रॉफिट बुक कर लिया है तो इसको देखना चाहिए, और ऊपरी लेवल पे रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों, सप्लाई रहेगी, थोड़ा बहुत जंप करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि अब एक तरह से पॉजिटिव खबरें आ रही हैं और खबरों के दम पे ये स्टॉक चल रहा है। अगर हम बिजनेस की बात करेंगे, अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो रेवेन्यू में एक तरह से बढ़ोतरी रही है, और जब ये 7,000 करोड़ का जो नुकसान दिखा रही है कंपनी, ये घटकर अगर प्रॉफिट में आती है फिर स्टॉक अच्छा खासा तेज होता हुआ दिखाई देगा। इस तरह से भारतीय एयरटेल का स्टॉक ऊपर की तरफ भागा है तो वो हो सकता है दोस्तों। और तीन कंपनियां हैं, जियो है, भारतीय एयरटेल है और वोडाफोन आइडिया है। वोडाफोन आइडिया में अब पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, और रेवेन्यू अगर लगभग 12,000 करोड़, 15,000 करोड़ के आसपास जाता है तो स्टॉक में बड़ी तेजी आने की संभावना रहेगी। तो ये चार्ट पैटर्न के अनुसार है, और जो दूसरी तिमाही के नंबर्स थे उसका अपडेट था वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। दोस्तों मार्केट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।